नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमने रिया की गिरफ्तारी जो है वो ड्रग के ट्रैफिकिंग के केस में की है। तो एक बहुत बड़ी बात जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कही कि उन्होंने रिया की गिरफ्तारी किस आधार पर की है। उनका ये कहना है कि हमने जो बयान दर्ज किए उससे ये बात सामने आई कि रिया जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का भी हिस्सा थी। शौविक ने जो बयान दिया, हालांकि उन्होंने जितने भी ड्रग पैडलर को पकड़ा, उन्होंने उनके बयान से जो लीड है वो शौविक की मिली। और जब शौविक का बयान दर्ज किया तो उसने बताया कि ही यूज टू प्रोक्योर वीड एंड बर्ड्स थ्रू बसित परिहार एंड केजान इब्राहिम एंड पास्ड इट टू हिज सिस्टर रिया चक्रवर्ती हु फर्दर पास्ड इट टू सुशांत सिंह राजपूत। तो यहाँ पर डायरेक्ट सुशांत का नाम कहीं नहीं आया। आगे का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैमुअल मिरांडा एंड दीपेश सावंत यूज टू कलेक्ट द सेड कॉन्ट्राबैंड एंड प्रोवाइड इट टू सुशांत आफ्टर मेकिंग जॉइंट्स। रिया चक्रवर्ती वॉज अरेस्टेड आफ्टर हर वॉलेंट्री स्टेटमेंट। मीनवाइल केजान वॉज एप्रीहेंडेड वेरिंग ही स्टेटेड दैट ही यूज टू प्रोक्योर ड्रग्स फ्रॉम द अनुज केसवानी। उन्होंने आगे कहा कि ऑन रिया एनसीबी क्लेम्स दैट शी अरेस्टेड ड्यू टू हर लिंकेज विद द ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। हर स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन केस क्राइम नंबर 15/2020 इन विच शी ड्वेल इन टू अदर एस्पेक्ट्स वेयर इन वायोलेशंस ऑफ प्रोविजनल ऑफ NDPS वर नोटेड। द डिजिटल फॉरेंसिक ऑफ सीज कम्युनिकेशन डिवाइसेज लेड टू सम वर्केबल इंफॉर्मेशन विच वॉज वेरीफाइड सब्सिक्वेंटली। जो डिवाइस लिए गए थे, आपको याद होगा, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड टैप था, इसके अलावा बहुत सारा जो है हार्ड डिस्क में डाटा था। उन सभी के बाद जब उनको देखा गया और उसकी छानबीन की गई, तब रिया की गिरफ्तारी हुई है। जो आज रकुल ने बयान दिया कि रिया का सामान मेरे पास पड़ा था और वो ड्रग था। और इतना ही नहीं, जया साहा ने भी NCB को ये बयान दिया है कि करिश्मा और रिया बहुत क्लोज थे और रिया जो है वो ड्रग में डीलिंग करती थी करिश्मा से। तो क्या ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो था वो रिया जो है उसमें मेन थी? क्योंकि अब जो है, जो इंडिया टुडे की खबर है जिसमें NCB ने बयान दिया है, उसमें ये साफ हो रहा है कि रिया की अरेस्ट जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की वजह से हुई है। तो क्या उसके जो लिंक्स है वो ड्रग ट्रैफिकिंग से सामने आ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ये आरोप साबित होता है तो इसमें जेल जो है बहुत बड़ी होती है, इसमें सजा बहुत बड़ी होती है। तो ये जो चीज़ है ये सामने आ रही है कि रिया की गिरफ्तारी जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो की है वो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क लिंक के लिए की है। और NCB ने ये इंटरव्यू जो है वो इंडिया टुडे को दिया, जिसमें उन्होंने इन सारी बातों का खुलासा किया है।